ऐसी मेरी जिंदगी में आपने ये भेजी है, जिंदगी का सत्यानाश ही हो गया है। सालों पहले आपसे एक इच्छा मांगी थी, कामनी। क्या बके जा रहे हो? जब ये ऐसी देनी थी तो पप्पू मेरे को देनी थी, किसी और की झोली में डाल देते। सो गाइस, स्वागत है आपका अमसु वर्ल्ड में। और अभी सुधा खड़ी रसोई में और वो लंच बना रही है, बच्चों का भी लंच बना रही है क्योंकि स्कूल जाने का, और मेरा भी लंच तैयार कर रही है। तो गाइज, आपने लास्ट वाला प्रैंक देखा था ना, इसने मेरे ऊपर बहुत गंदा प्रैंक करा था, बहुत ही हिलेरियस प्रैंक था, मतलब कि भाई साहब। और हेड सॉफ्ट भी है कि यार बंदी ने बदली कहाँ से, उस पर ऐसा खुरापाती आइडिया आया और उसने ऐसा प्रैंक करके हिला दिया मेरे को। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो यहाँ मैं ऊपर लिंक दे दूँगा, तो आप जाके क्लिक करके देखना भाई। तो लेकिन ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा। तो भाई इसके ऊपर आज मैं लेने वाला हूँ रिवेंज प्रैंक। और रिवेंज प्रैंक का भी यार आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने मेरे को मतलब इंस्टाग्राम पे मतलब स्टोरी लिख के भेजी है कि भाई इस तरीके का भाभी के साथ रिवेंज प्रैंक लो। तो फिलहाल जो मतलब आज का वीडियो ना बहुत ख़तरनाक होने वाला है, ये हिल जाएगी, मतलब ये खुद भी नहीं सोचेगी कि यार ऐसा भी प्रैंक हो सकता है मेरे साथ। तो प्रैंक क्या है वो तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। और नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, जल्दी से 100K कराओ दो भाई, फिर केक काटेंगे साथ मिलके और लाइव केक काटेंगे। तो भाई चलते हैं, जल्दी से हम कैमरा लगाते हैं और एक कैमरा मैं यहां पे रसोई पे भी लगा, सॉरी रसोई कह रहा हूं, फ्रिज के ऊपर भी लगा दूंगा। तो भाई जिससे पता चल पाएगा कि कैसा रिएक्ट कर रही है, मजा आने वाला है, मतलब बवाल ही कटने वाला है। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ वीडियो के एंड में। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। आज भगवान आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आज पता है खास छुट्टी मैंने आपके लिए करी है, मतलब जो मन है ना इतनी दुखी है, मतलब जी ऐसे ऊपर को आ गया है और आपके सिवा कौन है सुनने वाला मेरी, और तो कोई सुनने वाला है नहीं जिसको मैं अपनी सुना अपनी आप बीती सुना सकूं। प्रभु क्या कमी रह गई थी, क्या कमी रह गई थी मेरी सेवा में, मेरे त्याग में, मेरी पूजा में, जो आपने मेरे साथ ऐसा किया है। मैंने क्या नहीं करा, आपके हर मंदिर पर जाके नाग रगड़ी और उसके बाद भी आपने ऐसा फल दिया। प्रभु मैंने सुना था एक औरत घर को स्वर्ग बना देती है और नरक भी बना देती है, लेकिन इसने तो मेरी जिंदगी को भी नरक बना दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रभु अगर ऐसे ही फल देना था तो मैं ही क्यों, कोई और क्यों नहीं, किसी और की झोली में डाल देते। ये मेरी झोली में डालना था ये फल। प्रभु आपको क्या बताऊं, जो यार दोस्त है ना मेरे, उनसे मेरे को ना इरिटेशन होती है, मन दुखता है मेरा जब वो बताते हैं कि जैसे ही उनकी लाइफ में उनकी बीवी आई, उनकी पार्टनर आई, उनकी जिंदगी बदल गई। प्रभु सैलरी इंक्रीमेंट, जॉब में इंक्रीमेंट, गाड़ी घोड़ा बंगला सब मिल गया प्रभु ने सब। और एक मेरी जैसे ही मेरी जिंदगी में आपने ये भेजी है, मेरी तो जिंदगी का सत्यानाश ही हो गया है। जहाँ भी जाता हूँ विफलता ही हाथ लगती है, नौकरी भी नहीं टिक पा रही है, साल भर भी नहीं कट पाता प्रभु। आप इसमें बॉस खाता है और घर में ये नोचती है, प्रभु निवारण कर दो। और प्रभु एक बात और कहनी थी, वो जो मैंने शादी में जो मैंने वादे कसमें खाई थी ना प्रभु,
इनको सीरियस मत लेना, वो तो मैंने लोगों की दबाव में आके सारे कस्मे वादे खा लिए थे। ये फंस गया सीएम, 7 जन्मों तक मुझे यही चाहिए, पर वो 7 जन्म अगर 7 जन्मों तक है ना, जय हो। चीटिंग करता है तू। क्या बीवी दिया आपने, मतलब धन्य हो गया हूँ मैं। कभी कभार तो मुझे लगता है कि क्या ये मुझे ही मिलनी थी, तो इतनी सेवा करती है, मतलब मेरी सेवा करती है एकदम बीवी की तरह, बच्चों की सेवा करती है माँ की तरह, और मेरे माँ बाप की सेवा करती है एकदम बहू की तरह। मतलब मेरे पिछले जन्म का कोई ये कोई पाप, मतलब पाप नहीं, मतलब कोई फल, मतलब अच्छे कर्म ही होंगे जो आपने मेरे को ये दी, लेकिन मेरे को ही क्यों दिए? जब ऐसी देनी थी तो प्रभु मेरे को देनी थी, किसी और की झोली में डाल देते, किसी और की किस्मत फोड़ देते, मेरी ही फोड़ दी थी। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूं प्रभु, कुछ यहाँ जो है ना, यहाँ का था उसका समझ लो प्रभु, आपने इसमें कुछ डाला ही नहीं है, तो यहाँ का था माला ही खाली है उसका, और खेत की तो सुनती खलियान की है। अब आप में आप इसका निवारण करो और मुझे कोई रास्ता दिखाओ, कोई मार्गदर्शन करो और मेरा छुटकारा करा दो उससे, इसी जन्म को मेरे 1 से 7 जन्म कर दो। ये 1 जन्म के हैं। अगले जन्म तक नहीं प्रभु, इससे ज्यादा तो मैं नहीं झेल पाऊंगा और ना मेरे में हिम्मत है, मैं टूट चुका हूँ प्रभु, टूट चुका हूँ। कुछ सालों पहले आपसे एक इच्छा मांगी थी, आपने वो भी यही नहीं, अभी और सुनिए, पूरी नहीं करी। कामनी, कामनी, मुझे लगा शायद आपको कुछ इसमें कोई आपके इसमें कोई अच्छाई होगी, छोड़ दी। मुझे लगा शायद हो सकता है इससे कोई और अच्छी दो मिले मेरे को, और आपने सोचा होगा कोई अच्छी देने के लिए मेरी किस्मत में, तो ये दी है। मेरे को जानता नहीं है। क्या बक रहे हो? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे क्या बक रहा हूँ यार, क्या क्या बकवास किए जा रहे हो भगवान जी से, थोड़ी शर्म आ रही है, मैं यही काम कर रही हूँ। आपको मजाक लग रहा है? क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बताओ, मैं तुमसे बात ही कर रहा हूँ। क्या क्या चाहते, क्या हो, निकल जाओ तुम्हारे काम, नहीं को नहीं दिलवाया, ये नहीं दिलवाया, वो नहीं दिलवाया, इतनी शिकायत है क्या? शिकायत तो बहुत सारी है लेकिन। हाँ तो पूरी कर लो ना फिर, है दम। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना, बहुत गुड हो गया जी। क्या हो गया, तुम क्यों चिल्ला रही हो इतनी जोर की यार? मैं चिल्ला रही हूँ, मैं चिल्लाऊ भी ना, मतलब तुम क्या क्या बोले जरा भगवान जी से। अरे भगवान जी से क्या क्या बोल रहा हूँ मैं उनसे? झूठ बोल रहा है। तुम अपने लिए दुआएं मांग रहे हो, मेरे लिए दुआएं मांग रहे हो? तुम्हारे लिए कौन दुआ मांग रहा है कोई? मैं तुमसे दिल की बात कह रहा था, मेरे से दिल की बात है, मतलब तुम्हारे दिल में सब चीज चल रही है ना, तो तुम बात कर रहा ना। क्या दी क्या दी, मैं इतनी बुरी हूँ क्या? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे तुम्हारे लिए चल रहा, मैंने बता रहा हूँ कि यार मेरे लिए चल रहा, तुमने अभी तो बोला था तुम्हारी बातें, मेरे बीवी रूप में ये दी ये दी ये दी, क्या क्या बोले जा रहे थे? तो मैं तुम्हारे लिए, मैं लोगों को देख के चलता हूँ, मैं लोगों की बीवियां जैसे उनकी उनकी किस्मत में आई है, मतलब उनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी बदल गई है। तुम्हारी जिंदगी में कौन सा अकाल आ गया है? अरे मतलब उस तरीके की नहीं मिली ना सफलता, जैसे मिलनी चाहिए थी। अच्छा हाँ, तुम तो बड़े नीचे जमीन से तुम आसमान में पहुंच जाते हैं ना, मेहनत करनी नहीं है बस लड्डू खाना है। मैंने सुना था ना कि क्या बीबी जब आती है तो आदमी की जिंदगी किस्मत पलटती है। एक कमरे से पूरे फ्लोर के माहौल रह रहे हो ना यार, ये कहाँ से हो गया? लोग तो और भी आगे चले गए। हाँ बहुत आगे चले गए, बहुत लोग तो वहाँ भी चले गए 2 सालों में, याद है ना कोविड। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, लंबी बात सुन। क्या है तुमसे लगता है तुमसे बात करने के मूड में हो? बिल्कुल भी बात करने मूड में जाना, इसमें बुरा क्या मानना है यार, इसमें बुरा भी नहीं मानो, मतलब मैं अपनी पति की बुराई करूँ तुम्हें बुरा ही लगेगा? तो भगवान के सामने बैठ के तुम ऐसे बोल रहे हो? तो बोल नहीं सकता, बोलो बात करना ही निकाल, सुनो तो सही। क्या सुनो? कुछ भी सुनो, तुम जा रही हो, मैंने एक भगवान से अगर इच्छा मांगी थी कि अगर वो पूरी इच्छा पूरी हो गई ना तो मैं नारियल फोड़ूंगा,
वो भी तुम्हारे सर से। ज्यादा बकवास करने से अपने सर से खोल लो। अरे मैंने बोला था तुम जा रही हो तो मैंने दुआ मांगी थी ना उनसे, जब भी मेरी बीवी जाएगी छोड़ के मेरे को तो मैं नारे उसके सर से फोड़ूंगा। तुम्हें किसी यहाँ जा रही हो? तुम्हें कहना कहाँ जा रही हो? नहीं जा रही हो? मैं इतनी जल्दी आ जाती थोड़ी मिल जाती जिंदगी से, कहाँ जाऊंगी मैं? तो नारे तो फोड़ जाओ कम से कम। चिल चिल करो बेबी चिल। सुनो तुम तो नारे तो फोड़ जाओ ये। अरे ये तो ये लाल चिच्चो तो पूरा कर दो। सुनो नहीं सुनोगे? अरे को का टाइम नहीं हुआ लेकिन अभी जो टाइम है वो नारे फोड़ने का है। कम से कम ये लास्ट ऑफ स्कूरी कर दो यार, भगवान बुरा मान जाएंगे यार। सुधा सर यहाँ पे मार दिया मेरे। कैसा पति देखो मेरे को क्या क्या बोल रहे थे। अरे सुनो मेरे को तो बहुत मजाक कर रहा था। तुम्हारा मजाक में सारी जिंदगी की भाग निकालते हो, मुझे सब पता है दुनिया से। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। नहीं फोड़ना मन की इच्छा बोलने का बहुत अच्छा तरीका है। अरे मन की इच्छा नहीं सुधा, ये भगवान से मैंने वो मांगा थी यार, दुआ मांगी थी। बहुत बुरा मान जाते हो, प्रेम करते हो तो कुछ नहीं है। तुमने करा तो मैं तो नहीं माना। मैंने ऐसे कुछ बोला तुम्हारे लिए? ऐसे बड़े बड़े होट कर लिए थे तो तुम्हें क्या दिक्कत है? मेरी बॉडी में कुछ भी करूं। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था सुधा यार, बुरा मान। अरे सुनो तो सही। अरे प्रैंक कर रहा था। सुनो अरे सुन सुन, अरे पागल लग जाएगी। सुनो ये लो गेट बंद करके मेरे मुंह पे गेट मार दिया। तो चलो गाइस अभी इसको बनाते हैं। और आपको कैसा लगा प्रैंक जरूर बताना यार। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना चैनल पे पहली बार, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब करके मत जाना क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आ चुकी और आने वाली हैं, मतलब सब रो के अंदर है लाइनों में। तो चलो मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।